बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में ईएसआई डिस्पेंसरी का उद्घाटन 21 को। मजदूरों की जांच के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी में एक एसएमओ व 4 मेडिकल अधिकारी रहेंगे मौजूद। ईएसआई स्वास्थ्य संरक्षण विभाग हरियाणा की तरफ से बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एसएथआई ईएसआई डिस्पेंसरी खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए HSIIDC उद्योगों एसोसिएशन बड़ी द्वारा अस्थाई ईएसआई केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। एसोसिएशन के प्रधान शमशेर शर्मा ने बताया कि 21 मार्च को अस्थाई ईएसआई का उद्घाटन करेंगे। कल यानी बुधवार को सिविल सर्जन के साथ पूरी टीम यहां आएगी और वीरवार से अपना सामान यहां रखना शुरू कर देंगे। विधि रूप से इसका शुभारंभ जो है 21 मार्च 2020 को 12 बजे कर दिया जाएगा और यहाँ पर ओपीडी लैब रेफर भी करने हुए किसी पैनल पर तो सब काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। 19 आदमियों का स्टाफ यहाँ पर बैठेगा टोटल और यहाँ पर इस ईएसआई आने से डिस्पेंसरी से यहाँ के 5000 से ज़्यादा लेबर है उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। बता दें कि एसआई डिस्पेंसरी में ओपीडी चलाने के लिए एसोसिएशन द्वारा फिलहाल अस्थायी रूप से कमरों का निर्माण करवा दिया गया है। केंद्र में रजिस्ट्रेशन रूम, ओपीडी रूम, मेडिसिन रूम के अलावा एक स्टोर रूम है। इसके साथ ही ईएसआई में जांच के लिए लैबोरेटरी का भी निर्माण एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा मजदूरों के बैठने के लिए आंगन में शेड लगाए गए हैं जिसके नीचे बेंच लगवा दिए। हमारे यहाँ पर लगभग 5000 मजदूर भाइयों को फायदा होगा। हमें जैसे यहाँ होने से ये फायदा होगा कि बड़ी जैसे अभी बड़ी के जितने मजदूर भाई थे सभी मुरथल जाकर दवाई लेते थे, हमें समय की भी और पैसे की बचत होगी। वहाँ में यहाँ होने पर हमें बहुत खुशी है और बहुत बढ़िया काम हो गया। डिस्पेंसरी बनने से बड़ी के मजदूरों को फायदा मिलेगा और करीब यहाँ पर 5000 मजदूर है जिनको पहले मुरथल जाना पड़ता था। गन्नौर से ETV भारत में नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।